Hello guys, I'm on this side. Welcome all to our YouTube channel. Hope you all are doing great. आज की वीडियो का टॉपिक जो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई वीक पार्ट पे या फिर ग्रोइन पे अटैक दे रहा है तो आप उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपको ये बता देंगे कि अटैक कैसे करना है लेकिन डिफेंड करना कोई नहीं बताएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ऐसे सिचुएशन हो कि आपको खुद को डिफेंड करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप खुद को कैसे डिफेंड करोगे अगर कि आपको क्योंकि नी से वीक पार्ट पे हिट करने की कोशिश करता है। तो चलो अभी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये स्पेसिफिकली वीडियो अगर मैं इसके वीक पार्ट पे हिट कर रही हूँ तो ये कैसे डिफेंड करेगा वो आप लोग ध्यान से देखना। सो यहाँ पे हिट एंड डाउन और मेरा टारगेट डायरेक्ट वो है, बट इसमें मेन चीज़ है इसका ब्लॉक कितनी स्पीड से हो रहा है वो चीज़ डिपेंड करेगा कि आप कितने इजीली इसको और इसको साइड निकालना आपको लेको जैसे अटैक करेगा अटैक एंड डाउन। और अब उसके पास भी ऑप्शन है, वो भी हिट दे सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ पे ब्लॉक करना सिखा रहे हैं। सेकेंड अटैक जो मैंने आपको बताया था कि आप नी अटैक करोगे, और नी अटैक के लिए सबसे बड़ा रूल है आप इतने से डिस्टेंस में होना चाहिए कि आप टारगेट बहुत क्लोज हो। तो मान लो अगर मैं इसको नी अटैक देने की कोशिश करूँ तो इसके पास क्या ऑप्शन है, ये सबसे पहले हाँ ये साइड में निकलेगा और हिट करेगा, बट मेन चीज है कि आपको साइड भी होना, जैसे अटैक दे रहा आउट ऑफ रेंज। मैंने जैसे हमने पंचिंग के टाइम पे बात की थी ब्लॉक की कि जब भी कोई पंच कर रहा है तो आप उसके क्लोज तो उसके ओपन साइड में कभी भी नहीं आते हो, आप उसके क्लोज साइड में आते हो। तो सेम चीज़ आप पंच और नी अटैक के साथ करो। जैसे पंच के साथ हमने किया था ये कि आउटसाइड जाना है, जहाँ पे आपको क्लोज चांस मिल रहा है वहाँ पे जाना है, और सेम चीज़ आप इसके साथ भी करोगे जब भी कोई नी अटैक देने की कोशिश करो आउटसाइड एंड हिट। सेम चीज़ फिर से देखो यहाँ से हिट। मेरे हिसाब से मैंने पूरा टारगेट ले रखा था उसको हिट करने के लिए, लेकिन सामने वाले की रिफ्लेक्टिव है, सामने वाले की एक्टिवनेस है कि वो कितने इजीली उस सिचुएशन से डील कर पा रहा है। अभी आपने देखा कि हमने कैसे ब्लॉक्स का यूज करके एक ग्रोइन अटैक को भी डिफेंड कर दिया, कि आप कैसे आप ग्रोइन अटैक को भी यूजलेस बना सकते हो अगर आप थोड़ा सा एक्टिवली एक्ट कर सकते हो। बट गाइस हमेशा बोलती हूँ अटैक डिफेंस हमेशा उस सिचुएशन में करो जब आपको लगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो पे नहीं लेनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप शांत होकर सिचुएशन से डील कर सकते हो। हर बार एक्ट करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि आपको एक्ट करना ही पड़ेगा तो प्लीज़ मिनिमम पावर का यूज़ करो और मैक्सिमम अलर्टनेस का यूज़ करो और इस सिचुएशन से बाहर आओ। सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट करना ये कभी भी हमारा टारगेट नहीं होता है। कोई इंसान गलत भी हो आप उसको इस हद तक डराते हो कि वो रुक जाए, वो और गलत ना करे ना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर आप इस चैनल पे पुराने भी हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस डू सब्सक्राइब नाउ एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। ये कोविड की सिचुएशन है, सो गाइस स्टे सेफ स्टे होम और जितना हो सके मास्क लगाओ, डबल मास्किंग करो, सैनिटाइजर का यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और अपने आप को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ। डू एक्सरसाइज डू वर्कआउट वी हैव जो आपकी हॉबी है वो करने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे हम अपने टैलेंट को स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स द मैसेज फॉर मी फॉर टुडेज़ वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ स्टे अलर्ट। बाय बाय।